दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के विभिन्न समस्याओं को लेकर महीनों से आंदोलनरत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गोरखपुर विश्वविद्यालय इकाई छात्रों ने प्रेस वार्ता करते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 8 कार्यकर्ताओं को जेल और 22 पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराकर उन्हें निष्कासित करने के संबंध में अपना विरोध जताते हुए छात्रों पर दर्ज मुकदमे को वापस लेने और शुल्क वृद्धि में कमी करने की मांग की है। इस संबंध में गोरखपुर ने संवाददाता से बात करते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गोरक्ष प्रांत के मंत्री सौरभ गौड़ ने कहा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गोरखपुर महानगर कार्यकर्ता पिछले कई दिनों से लगातार गोरखपुर विश्वविद्यालय में संघर्ष कर रहे हैं। आप सभी को अवगत होगा कि पिछले एक महीने से विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता लगातार कुलपति से सवाल तो पूछ रहे हैं, लेकिन कुलपति की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। इस बीच कई बार हमारे विद्यार्थी, कई बार हमारे कार्यकर्ता गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति से मुलाकात करने के लिए समय मांगे, लेकिन गोरखपुर विद्यालय के कुलपति सीधा मना कर दिए कि वो गोरखपुर विद्यालय किसी भी विद्यार्थी से मिलना नहीं चाह रहा है। तो इसी क्रम में विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं ने आंदोलन शुरू किया कुलपति के खिलाफ और लगातार 10-12 दिन तक आंदोलन किया। विगत 21 तारीख को हम सभी गोरखपुर विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पे हम सभी प्रदर्शन कर रहे थे। उस दौरान सूचना मिलता है कि कई महीनों के बाद गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति जी अपने ऑफिस में आए हुए हैं। विश्वविद्यालय के कार्यकर्ता हमारे उठते हैं और गोरखपुर विद्यालय के प्रशासनिक भवन में जाके धरना प्रदर्शन करना शुरू करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि जब भी माननीय कुलपति जी बाहर निकलेंगे तो हमारे पास 2 मिनट के लिए जरूर रुकेंगे और हमारे समस्याओं को जानने का प्रयास करेंगे कि विद्यार्थियों को गोरखपुर विद्यालय में क्या समस्या है। इस बीच 2-3 घंटे प्रदर्शन करने के बाद जब माननीय कुलपति जी बाहर निकलते हैं तो वो बाहर निकलने के बाद हम लोग के पास 1 मिनट भी खड़ा नहीं होते हैं और सीधा वो प्रशासन की सहायता से वो निकलने लगते हैं बाहर। उस बीच हमारे विद्यार्थी कार्यकर्ता उन्हें पकड़ने का कार्य करते हैं कि रुके, हमारी बातों को सुने। उस बीच झड़प भी होता है और कुलपति जी के कथनी के अनुसार और कुलपति जी के कहने पे पुलिस प्रशासन हमारे विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं को लाठी डंडों से खूब पीटती है। हमारे 8 कार्यकर्ता उस बीच जेल भी जाते हैं और लगातार 11 दिन तक जेल के अंदर भी रहते हैं। इस बीच विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता कुलपति से फिर भी सवाल और जवाब करने का प्रयास करते हैं कि जो शुल्क वृद्धि का ये मामला है ये कोई एक विद्यार्थी का नहीं है। निश्चित तौर पर जो शुल्क इतने बड़े पैमाने पे बढ़ रहे हैं, किसी किसी विषय के 400% फीस, किसी किसी विषय के 200% फीस, दुगुना तिगुना इस प्रकार जो बढ़ रहे हैं वो कम होना चाहिए। इसकी लड़ाई विद्यार्थी परिषद लगातार लड़ रही है। अभी भी हम सभी इतने संघर्ष करने के बाद, हमारे कार्यकर्ताओं को जेल जाने के बाद भी अभी तक कुलपति जी का कोई जवाब अभी तक हम लोग के सामने नहीं आया। आज भी जो है हम सभी वही प्रश्न पूछ रहे हैं कि शुल्क निश्चित तौर पर कम होना चाहिए, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि अगर कोई भी विद्यार्थी उसको विश्वविद्यालय में परेशानी होती है तो वो किसके पास जाएगा, ये अपनी समस्याओं को किसके पास जाएगा। आज गोरखपुर विश्वविद्यालय में ना कुलपति विद्यार्थियों से मिलने वाले हैं, ना कुलसचिव विश्वविद्यालय में मिलने वाले हैं, ना ही प्राक्टर के मिलने के बाद प्राक्टर कोई आश्वासन देते हैं। तो गोरखपुर विश्वविद्यालय में अगर विद्यार्थियों को परेशानी होती है तो वो किससे मिलने जाएगा। आज माहौल यह है कि विश्वविद्यालय के अंदर किसी की भी जवाबदेही नहीं है। विद्यार्थी भटकता रहेगा, 365 दिन भटकता रहेगा, कभी उसके रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, कभी वो छात्रावास में पीएससी जो 12-12 महीने से लगातार रह रही है, जहाँ विद्यार्थी रहना चाहिए वहाँ पीएससी रह रही है, वो अगर कहने जाए फीस को लेके कहने जाए, या कर्मचारियों की बात कर लीजिए, कर्मचारी अपने वेतन को लेके कहने जाए, शिक्षक किसी काम को लेके जाए, कोई भी सुनवाई गोरखपुर विद्यालय में नहीं है। तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम सब यही कहना चाहते हैं माननीय कुलपति जी से कि अगर उन्हें लगता है कि वो हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठियां बरसा दें, उनके ऊपर बर्बरता करें, उनको जेल के अंदर ठूस दें अपराधियों की तरह, और उसके बाद उन्हें लगता है कि हम सभी डर जाएंगे और हम सभी अपना आंदोलन छोड़ देंगे या हम सभी सवाल और जवाब करना कुलपति से छोड़ देंगे, तो वो निश्चित तौर पे वो अपने एक गलतफहमी का शिकार हैं। और वो हमारे 8 कार्यकर्ताओं को ही नहीं, अगर वो 80 कार्यकर्ताओं को भी जेल के अंदर ठूस देते हैं और 800 कार्यकर्ताओं पर मुकदमा कर देते हैं, तब भी जो हम सभी सामान्य विद्यार्थियों की लड़ाई लड़ रहे हैं वो लड़ते रहेंगे ताकि एक सामान्य विद्यार्थी को न्याय मिल पाए, और वो भी गोरखपुर विश्वविद्यालय जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पे बना हुआ है, उनके विचारों को हम सभी वो साक्षात करते हुए हम सभी सामान्य विद्यार्थी, गरीब विद्यार्थियों की का भी दाखिला कैसे गोरखपुर विद्यालय में सुनिश्चित हो सके, उसके लिए हम सभी लड़ाई लड़ते रहेंगे। हमारे 8 कार्यकर्ताओं में 2 कार्यकर्ता हमारे अगल बगल में बैठे हैं जिन्हें जेल के सलाखों के पीछे भेजा गया, जबरदस्ती इन लोगों के ऊपर अपराधियों की तरह व्यवहार किया गया, हर कदम कदम पर इन्हें अपराधियों की तरह टॉर्चर किया गया, इन्हें परेशान किया गया, और जब तक ये अभी जेल से बाहर नहीं आए तब तक इनको किसी न किसी मामले में लगातार परेशान किया गया। इसलिए परेशान किया गया कि इनको जो हम झुका दे ताकि ये फिर से किसी कुलपति से, किसी प्राक्टर से, किसी शिक्षक से सवाल जवाब न कर पाए, और विश्वविद्यालय में उस कुर्सी पे बैठे ऐसे अधिकारी लगातार विद्यार्थियों के अधिकारों को अपने पैरों के नीचे कुचलते चले जाए। तो मैं अंत में यही आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहूंगा कि हमारे ऐसे
हजारों कार्यकर्ताओं को जेल के अंदर ठूस दिया जाएगा तब भी हम सभी जो मुहिम चलाए हैं कि फीस कम होना चाहिए वो हम और मजबूती से लड़ेंगे ताकि विद्यार्थियों को न्याय मिले। सौरभ गौड़, प्रदेश मंत्री अखिल भारतीय विद्यार्थी।